एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करने वाले हैं कैंडल वैक्स रीडिंग। देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं और वो नेक्स्ट एक्शन क्या ले सकते हैं, उनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है। हम जब तक रीडिंग स्टार्ट करते हैं, आप अपने पार्टनर के ऊपर फोकस बना के रखिए और पॉजिटिव हो जाइए, ठीक है गाइज। ये एक जनरल रीडिंग होगी, सभी साइंस के लिए होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप देखेंगे आपके साथ रेजोनेंस ज़रूर करेगी। गाइज, आप दोनों का रिलेशन जो है बहुत ज़्यादा गहरा था, काफ़ी टाइम पुराना भी हो सकता है। आप दोनों ने फ्यूचर में एक साथ जाने की प्रॉमिसेस किए होंगे और एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते होंगे। आपके पार्टनर ने शादी करने का भी सोच लिया होगा कि आपके साथ शादी करेंगे। और आपके पार्टनर अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं अभी आपके बिना। कहीं अगर आप लोग मैरिड हैं तो आपके पार्टनर आपको लेने आ सकते हैं, आपके साथ बातचीत कर सकते हैं, लेकिन आप बिना गुस्सा किए, बिना ईगो दिखाए उनकी बात समझिएगा, सुनिएगा। ऐसा भी ना हो कि आप अपने पक्ष नहीं रखें, आपको जो प्रॉब्लम है आप उनको बताइएगा, सारी उनकी ही बात मत सुन लीजिएगा। क्योंकि आपके पार्टनर आपको हो सकता है लेने आए, जो लोग सिंगल हैं कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, उनके पार्टनर उनके साथ बात करके उनको कमिटमेंट दे सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी एनर्जीज हैं गाइस यहाँ पर। आपके पार्टनर अपने आप को जहाँ अकेला महसूस कर रहे हैं, वहीं आपके साथ बातचीत करने का, आपके साथ कांटेक्ट करने के बारे में पूरी तरह से वो सोच रहे हैं। बहुत जल्दी आपके पार्टनर आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, वो थक गए इंतज़ार करते करते कि मैं कब तक इंतज़ार करूँ। ये पूरी तरह से आपकी लाइफ होगी अगर आप इंतज़ार करना चाहते हैं या फिर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। इस आप मेरे किसी किसी व्यूवर्स में या उनके पार्टनर के फेस पर डिंपल पड़ता होगा, जनरल रीडिंग है, किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है। गाइस, आपके पार्टनर बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं आपको, किसी भी रीज़न से। जब आप दोनों के बीच में जो दूरियां आई, आपके पार्टनर दूर दूर भागने लग गए होंगे आपसे, लेकिन वो अब आपके पास आकर आपसे बात करने की सोच रहे हैं। अगर उन्होंने आपको इग्नोर किया था तो वो आपके साथ बात करने का सोच रहे हैं कि मैं किस तरह से बात शुरू करूँ, क्या वो मेरे को मतलब मना तो कर नहीं देगा या कर नहीं देगी मना, कहीं मुझे इग्नोर नहीं कर दे। हद से ज़्यादा उनके दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं। उनको उनको रिजेक्शन का डर है कि पता नहीं आप उन्हें माफ़ करेंगे या नहीं। आपके पार्टनर आपके बिना बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं और वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, भले से वो कोई छोटा सा कॉल मैसेज कर दें, आपको अनब्लॉक करके आपको कोई वीडियो लाइक कर दें, आपका स्टेटस देख लें अनब्लॉक करके, आपको कुछ ऐसा छोटा सा कर सकते हैं। क्योंकि उनके दिमाग में हद से ज़्यादा आप चल रहे हैं अभी। हो सकता है आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो चीज़ें, या आप खुद अपने पुराने चैट्स पढ़ रहे हो तो वो चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है। लेकिन जब भी आप अपने पार्टनर को याद करें गाइस, कभी रो के याद मत करिएगा, हमेशा खुश रह के पॉजिटिव रह के याद कीजिएगा। आपके पार्टनर के दिमाग में पूरी तरह से आप हैं अभी गाइस। किसी किसी को यहाँ पर फ्लावर्स मिल सकते हैं, एंजल्स ने यहाँ पे एक फ्लावर बनाया गाइस। किसी किसी के पार्टनर का नाम BPIL, आपके आपके पार्टनर का नाम हो सकता है इनसे। किसी किसी के पार्टनर के दिमाग में ये चल रहा है कि वो आपसे आकर माफ़ी किस तरह मांगे, और उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा, किसी किसी को यहाँ ऐसा हो सकता है कि इग्नोर बहुत ज़्यादा किया है, अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ किया है आपके लिए, आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, तो वो इस चीज़ का
शर्मिंदगी है उनके दिल में गाइस, यहाँ पर बहुत ज़्यादा, कि मैं किस तरीके से उसे सामने जाके माफ़ी मांगू क्योंकि मैंने उसको बिना किसी रीज़न के तकलीफ दे दी। गाइस आपको के रिश्ते के खिलाफ तो बहुत सारे लोग हैं, कुछ तो आपको सामने से दिख गए हैं, कुछ और पीछे से छुपे हुए लोग भी हैं जो आपके सामने तो बोलते हैं हाँ ये सब कुछ बहुत अच्छा है, तुम मिल जाओ, तुम ऐसा कर लो वैसा कर लो, हाँ हाँ आ जाएगी आ जाएगा, हाँ हम बात करेंगे उससे, लेकिन वो लोग भी दुश्मन हो सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कौन लोग आपके आसपास ऐसे हैं। आप अपने दिल की बात थोड़ा कम लोगों के साथ शेयर कीजिएगा क्योंकि जिनको भी आप बताएंगे हो सकता है वही मिसअंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बढ़ा दें आप दोनों के बीच में। तो आज की रीडिंग में यही है कि अभी फ़िलहाल आप अपने रिश्ते को खुद से सुधारने की कोशिश करें, मन शांत रखें, फुल मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, फुल मून पे आप लोग का रीयूनियन हो सकता है, आपके पार्टनर आपको लेने आ सकते हैं अगर आप मैरिड है सेपरेशन में चल रहे हैं तो। सिंगल है कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं तो कमिटमेंट ज़रूर से मिलेगा आपको आपके पार्टनर के साथ, आपके पार्टनर कॉल मैसेज कर सकते हैं आपको। गाइस ये थी आज की हमारी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो, पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमेशा पॉजिटिव रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, कभी नेगेटिव नहीं होना है, हमेशा अच्छा सोचना है, हमेशा खुश रहना है, खूब सारा हंसना है, ठीक है, अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, बाय बाय।